आंदोलन पर अन्नदाता क्या निकलेगा रास्ता। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। हम बात करने जा रहे हैं किसानों के आंदोलन से जुड़ी हर अहम खबर की, और इसी कड़ी में दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, दो अहम खबरें आपके सामने। सबसे पहली बात तो यह है कि एक तरफ सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठन बैठक कर रहे हैं, दूसरी खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री भी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। किसान संगठनों की बैठक की बात करें तो बैठक में सरकार से अगली बातचीत को लेकर चर्चा हो रही है। शाम 4:30 बजे किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आगे की रणनीति के बारे में दे सकते हैं जानकारी। 3 दिसंबर यानी कल किसान नेताओं से सरकार की बातचीत होनी है, तो अगले दौर की बातचीत में क्या किसानों ने जो बातें रखी है उसके तहत समस्या का हल निकल पाएगा या फिर तकरार यूं ही बरकरार रहेगी। शाम 4:30 बजे किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ आते हैं। किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल बैठक में शामिल हैं। अमित शाह किसानों से कल हुई बातचीत पर चर्चा कर रहे हैं। कल किसानों ने जो मांगे रखी थी उसको लेकर चर्चा की जा रही है। तीसरी अहम बात, दिल्ली और आसपास के इलाकों में जाम लग गया है, किसानों के आंदोलन की वजह से क्या स्थिति है इस वक्त बॉर्डर पर, देखिए इन तस्वीरों के मद्देनजर। किसान आंदोलन की वजह से जगह जगह लगा जाम, डीएनडी पर जाम, कई घंटों से लोग यहां पर फंसे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने भले ही लोगों से अपील की थी किन किन रास्तों से ना गुजरे, लेकिन ऑफिस जाने के वक्त कई लोगों को जानकारी नहीं थी कौन सा रास्ता बंद है, कौन सा खुला हुआ है, कौन सा वैकल्पिक रास्ता है, और इसी वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी जाम लग गया है। पवन त्रिपाठी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। पवन, एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ जनता भी बेहाल है, जगह जगह जाम लगने की खबरें सामने आ रही है, किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं लगातार बॉर्डर पर, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो नोएडा का जो बॉर्डर है यहाँ पर नोएडा दिल्ली का जो बॉर्डर है यहाँ पर बैरिकेड लगाकर जो है पुलिस ने पूरी तरीके से इस रास्ते को बंद कर रखा है। कल शाम से ये रास्ता बंद है और यहाँ पर यूपी पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के लोग भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी यहाँ पर डिप्लॉयड की गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान दूर दूर तक पूरे दोनों तरफ रोड पर अपने ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, और ये यहाँ पर आराम कर रहे हैं। जब तक इनके किसान संगठन से कोई भी इनको मैसेज नहीं आता तब तक ये यहीं पर बैठे हुए हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे खास तौर से MSP के मूल्य को निर्धारण अगर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये ऐसे ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके समर्थन में और भी लोग यहाँ पर अब आना जुटना शुरू हो गए हैं, आसपास के जिलों से, आसपास के शहरों से। सबसे बड़ी बात है कि जो ज़्यादा संख्या है यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन यानी भानु के किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और एटा के आसपास और उसके जिलों के आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यानी कि जो किसान हैं अब पूरी तरीके से अड़े हुए हैं इस रास्ते के जाम होने की वजह से। जो और वैकल्पिक रास्ते हैं, चाहे वो DND का रास्ता हो या अशोकनगर की तरफ से जाने वाला रास्ता हो, काफ़ी वाहनों का वहाँ पर प्रेशर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर पड़ता था वाहनों का, वो इस रोड से गुजर कर निकल जाता था, दिल्ली चले जाते थे वाहन चालक यहाँ से और वहाँ से वापस भी आते थे, रोज़ हज़ारों की संख्या में वाहन यहाँ से निकलते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इस रास्ते को जब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है तो जो वैकल्पिक मार्ग है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उस पर जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। फिलहाल किसान अपनी मांगों को कर अड़े हुए हैं, और यह भी सूचना मिल रही है कि आसपास के जिलों से, अलीगढ़ से और एटा से और भी जो जिले हैं आसपास के, नोएडा के, वहां से किसान बड़ी संख्या में कूच कर गए हैं, जो थोड़ी देर में जब यहां पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत विकट स्थिति हो सकती है जिला प्रशासन के लिए, साथ तौर पर जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जब किसान यहां पर पहुंच जाएंगे तो संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, उनके वाहन जो उनके ट्रैक्टर ट्रालियां हैं वो भी इन रास्तों पर मौजूद रहेंगे, और जो जाम अभी फिलहाल सुबह के वक्त देखने को मिला था दोपहर के वक्त वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लगता दिखाई देगा।